हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल समायरा एंड मायरा। तो पापा की तबीयत ठीक नहीं है, जैसे आपको सबको पता है, और हमें आपकी प्रेयर्स की बहुत ज़रूरत है। और इतनी तकलीफ होने के बाद भी जब भी हम पूछते हैं, वो हंस के कहते हैं, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बाबा बाबा कहे बाबा 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 क्या है पापा? पापा क्या कह रहे हैं? पापा अपने बेड के लिए, हाँ मम्मी के लिए बेड बिछाते हैं, है ना? आपको भी हंसी आ रही है? हाँ जी, कैसी लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। देखो, दो कतला खाया सुना ना, पनीर 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 खाया, रोटी को इतनी सो खायो, और फिर भर को वो खा लिया, एक दो कतले नीचे गए वो। फिर भाजी, किस किस की याद आती? हाँ, मैं पूरे परिवार की याद आती है। अच्छा, कौन कौन है अपने परिवार में, नाम बता दो सबका। अपने परिवार में देखा, देखे बता, तेरी मम्मी है, राकेश है, प्रिया है। अच्छा, समायरा है, मायरा है। ये मायरा कौन है? ग्रैंड डॉक्टर। ग्रैंड डॉक्टर है सबसे कितनी बड़ी है वो? नौ महीने का। क्या कह रहे हो आप? मेरा, मैं मम्मी से अच्छा ख्याल नहीं रखूंगा। नहीं नहीं बताओ भाजी, तो मैं रहूंगा ना यहाँ पे आपके पास, मम्मी भेज देते हैं बेचारी, कब से परेशान है। मैं रहूंगा आपके पास, अभी मम्मी को बाय कर देते हैं क्योंकि खाना वाना खा लेगी। मेरे लिए जी नहीं दुख पाना, मैं तो पूरा दिन उड़ मस्त हूँ। बाबू जी के जी दुख पाने से थोड़ी होता, मेरी भी तो इच्छा है मेरे बाबूजी के पास आने की। बाबू जी सोच रहे हैं, बाबू जी क्या सोच रहे हो? सब बदरात हो गई कल। हाँ, और अभी घर जाओ आप। ओहो, मैं थोड़ी घर जाओ, अच्छी बात करो, मैं यहीं पे रोकूंगा, ठीक है? मैं मम्मी को भेज रहा हूँ, अभी मम्मी को छोड़ के आता हूँ, और फिर मैं अभी दो मिनट वापस आता हूँ। छोड़ के आप भी वहीं रह जाना। नहीं नहीं नहीं, मम्मी वाला कहते हैं थोड़ी हेल्प कर देगी, बच्चे बच्चे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल समायरा एंड मायरा। सो लाइफ के कुछ डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, पापा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अभी भी उनको आईवी लगी हुई है, वो उसी पे चल रहे हैं, एंड रिपोर्ट्स आ गई हैं, सारी रिपोर्ट्स बहुत अबनॉर्मल हैं। शुगर भी है, लीवर भी, इन्फेक्शन भी है, TLC भी ऊपर नीचे है, वाइट ब्लड सेल्स तो मतलब 3 गुना ज़्यादा हो रखे हैं, और उनका भी अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन वगैरह हो रहा है। तो ऑलमोस्ट हमें आइडिया लग गया है कि उनको क्या है, जो कि बहुत पेनफुल होने वाला है हमारे लिए। ये जर्नी स्टार्ट हो गई है ऑलमोस्ट, तो बहुत ही पेनफुल होगा, क्योंकि मैं और राकेश 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं। ठीक है, वो एक झटका लगता है तो बनता है, क्योंकि हमें दूर दूर तक सपने में कभी ऐसा नहीं सोचा था। ऑब्वियसली अपने घर वालों के लिए कौन ही ऐसा सोचता है, अपने लिए कौन ऐसा सोचता है। और पापा तो हमेशा हट्टे कट्टे रहे हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल नहीं, उनको ऐसे देखना तो मतलब हम दोनों के लिए बहुत ही पेनफुल है, और स्पेशली राकेश के लिए, क्योंकि मैं तो 10-11 साल से उनको जानती हूँ, राकेश तो बचपन से उनको जानते हैं, उंगली पकड़ के चलना सीखा, इतना सब किया है पेरेंट्स ने, तो अब हमारी बारी है। मैंने यही बोला है, मैं धीरे धीरे मोटिवेट कर रही हूँ राकेश को कि चलो ठीक है, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। तो पापा को मे बी कैंसर है, कौन से स्टेज में है ये अभी पता नहीं चला है, जब पता चलेगा तब देखते हैं क्या एक्शंस होंगे। अभी हम कुछ नहीं सोच रहे हैं आगे का, जस्ट बेबी स्टेप्स लेने हैं, सारी रिपोर्ट्स आ जानी है, कंसल्ट कर लेना है डॉक्टर से, उसके बाद डिसाइड करना है कि क्या करना है, ऑपरेट करना है, कीमोथेरेपीज देनी है, आई डोंट नो क्या होगा, कैसे होगा पता नहीं, पर हाँ हम एक स्टेप, हर एक स्टेप पूरे हिम्मत से रखते जाएंगे। एंड दोनों हम बहुत रो लिए हैं, बहुत 2-3 तक रो लिए, अब नहीं, क्योंकि पेरेंट्स को भी संभालना है, उनको संभालना बहुत ज़रूरी है। मम्मी को अभी तक नहीं बताया है कि क्या है, पापा को नहीं बताया है, उनको शायद हम अभी बताएंगे भी नहीं जब तक सारा ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हो जाता। तो देखते हैं क्या होता है आगे ट्रीटमेंट में, पर हिम्मत रखना बहुत ज़रूरी है। जिनके साथ भी ये हुआ है शायद वो रिलेट कर पाएँ, या जिनके साथ फ्यूचर में कभी होगा, तो बस इतना ही कहूँगी कि हिम्मत रखना बहुत ज़रूरी है। यस, एक बार आपको झटका लगता है, आप लड़खड़ाते हो, तो रो लो,
पर फिर खड़े हो जाओ, क्योंकि फैमिली को आफ्टर ऑल आपको ही संभालना है। जिन पेरेंट्स ने आपको बड़ा किया है ना, उनको आपको मतलब उनको आपको ही संभालना है। हमने सोचा नहीं था, मतलब ये तो था कि संभालना है, पर इतनी जल्दी ये नहीं सोचा था, क्योंकि अभी बच्चे भी छोटे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ भी है। जैसे तैसे मैनेज करके मैं टाइम निकाल के जाती हूँ, एक बार दिन में पक्का पापा से मिल के आती हूँ। एंड राकेश तो है ही वहाँ पे, मम्मी है तो वो दोनों देख रहे हैं, पर मैं भी कोशिश करती कि जाऊँ, क्योंकि उनका अलग ही अटैचमेंट है ना मेरे साथ। तो वो बोल देते हैं कि प्रिया नहीं आई, तो ऐसे करके मैं चली जाती हूँ एक बार, कि चलो एक बार तो चली जाती हूँ, उनसे मिल के आ जाती हूँ। बाबा बोलो, बाबा छोटा बाबू है ना, मौसमी का जूस पिया तो जूस पिया, और फिर तेरे पापा और जूस पिया था। जीजी पापा का पापा हो ना, हमें जू पापा 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 का पापा हो ना, तो वाला बेटी 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 बेटा बहुत अच्छा बेटा बेटी, कैसे कर देख लिया समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, पर यही बोलूंगी बस प्रे कीजिए कि पापा जल्दी ठीक हो जाए, और ये कुछ मेमोरीज हैं जो हम उनके लिए कलेक्ट करें, जो वो ठीक हो जाएंगे तब उनको दिखाएंगे।